मैंने अभी गुजरात से आई हुई है जिग्नेश को थोड़ा से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ममता दीदी। और पश्चिम बंगाल की इस जनता को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को और आप सभी को मैं दिल से कहता हूं अमी तुमा को भालोबासी। और मंच पर उपस्थित सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी साथियों का यहां पर एकजुट होना, इस मंच पर आज के दिन में यहां पर उपस्थित होना, यह बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त भारत, हमारा देश, हमारा मुल्क एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हमला है। पिछले 4.5 सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, मिडिल क्लास, सारे समुदाय के लोगों का जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, जिस प्रकार से हमारे संविधान की वैल्यूज को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से एपेक्स कोर्ट के जजिस को सड़कों पर उतरकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर को यह कहना पड़े कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज एट वर्क, यह दिखाता है कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सारे लड़ने वाले लोग, सारे आंदोलनकारी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का एक मंच पर आना और 2019 के चुनाव में आरएसएस और भाजपा को बेदखल करना, यह बहुत ही वाइटल टास्क है। ममता दीदी ने इस टास्क को उठाया है, इसलिए उनको दोबारा शुक्रिया अदा। और साथ में ये उम्मीद करता हूं कि जो 2 करोड़ रोजगार की डिमांड युवा वर्ग करता है, जो मोदी जी ने नहीं दिए, ये उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन के कॉम्पोनेंट्स जब साथ में मिलकर नई सरकार रचे, नई सरकार का निर्माण करे, तो सचमुच किसानों की आत्महत्या रुके, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, छुआछूत और मैनुअल स्केवेंजिंग का खात्मा हो, और भीमा कोरेगांव जैसे कई केसों में दलित और दूसरे प्रगतिशील साथियों को नक्सलाइट बोल के मोदी जी की सरकार ने जेल में डाल दिया है, उन सारे साथियों की रिहाई हो, हमारा संविधान पूरे स्पिरिट में लागू हो और हमारा मुल्क एक सचमुच सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक बने, डेमोक्रेसी बने, इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई हो जिग्नेश।